नमस्कार। आज के वीडियो में मैं आपको ऐसी 10 टिप्स बताऊंगा जिससे आप अपनी जो स्किन एलर्जी है उसको जल्द से जल्द ठीक कर सकेंगे। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। स्किन एलर्जी जो रहती है वो बहुत ही कॉमन और जिद्दी बीमारी है। उसमें क्या होता है कि लाल लाल चट्टे हो जाते हैं, फिर दवाई जैसे ही हम लेते हैं वो थोड़ा ठीक हो जाता है, फिर वो बार बार वापस हो जाता है। स्किन एलर्जी के बारे में बहुत सारे वीडियो मैंने बनाए हैं, तो ऐसे और भी वीडियो देखने के लिए उसकी जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रखी है, वो आप आराम से जाके देख सकते हैं। मैं डॉक्टर गौरव पटेल, डर्मेटोलॉजिस्ट एट आस्था स्किन एंड लेजर क्लिनिक, ऐसे हेयर और स्किन रिलेटेड एजुकेटिव और इन्फॉर्मेटिव वीडियो बनाता हूँ। ऐसे और भी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। ये वीडियो में मैं आपको 10 ऐसी टिप्स तो दूंगा, लेकिन साथ में एक बोनस टिप्स भी दूंगा। और उसमें मैं जो है वो सबसे कॉमन जो क्वेश्चन मुझे पूछा जाता है कि इसमें कौन सी दवाई लेनी है डॉक्टर, वो तो आप बताते नहीं हो, तो वो भी मैं आज आपको बताने वाला हूँ कि आपको जब स्किन एलर्जी होती है तब कौन सी दवाई आप घर पे ले सकते हो। सो आइए देखते हैं कि टिप नंबर 1 कौन सी है। सबसे पहले आपको क्या करना है कि एक डायरी मेंटेन करनी है। स्किन एलर्जी जब लंबे टाइम के लिए चलती है तब कौन सी चीज खाने पीने में आती है, क्या कुछ कॉन्टेक्ट में आता है, पहनने में आता है, कुछ एनवायरमेंट चेंज होता है, तो सारी चीज जो है वो हम याद नहीं रख सकते। सो आपको क्या करना है कि जब भी स्किन एलर्जी होती है तब आपने उस दिन पे क्या खाया पिया, कुछ कॉन्टेक्ट में आया, कुछ नया किया, कहीं बाहर गए हो, कुछ नए कपड़े पहने हो, एनवायरमेंट चेंज हुआ, ऐसे कोई भी चीज जो आपको लगती है कि वो चेंज हुआ है उसको आपको नोटिस कर देना है। इससे क्या होगा कि जब नेक्स्ट टाइम एलर्जी होती है तब आप फिर से उसको नोटिस करिए। तो ऐसे जब 5-6 बार ऐसे एलर्जी होती है और आप नोटिस करते रहते हैं तो ओवर द टाइम आपको एक कॉमन फैक्टर्स जो है वो बाहर निकल के आएगा कि ये चीज से जो है वो आपको कॉमनली एलर्जी हो रही है, तो वो चीज आप जो है वो अवॉइड कर सकते हैं। तो एलर्जी जो है उसको ठीक करने में और कंट्रोल करने में बहुत ही उसमें इजी रहे। मेरे एक जो पेशेंट है उनको भी ऐसे स्किन एलर्जी जो हुआ करती थी, तो फिर वो भी डायरी में ऐसे जो है वो नोट डाउन कर लेते थे, तो उनको फिर वो आइडिया आया कि जब भी वो गार्डन में जाते थे तो गार्डन में जो उसकी पर्टिकुलरली जो पोलेंस होते हैं उससे एलर्जी हो रही थी। तो फिर उन्होंने जो है वो जब भी लिखना चालू किया तो उनको वो कॉमन फैक्टर्स वो है बाहर निकल के आए, फिर उन्होंने बंद कर दिया तो फिर एलर्जी जो है उनको काफी कंट्रोल में है। तो आप भी जो है वो जब भी एलर्जी लंबे टाइम के लिए चलती है जिसको क्रॉनिक अर्टिक्रिया बोलते हैं, तो उसमें एक डायरी बना के उसमें नोट डाउन करना ना भूलिएगा। दूसरी जो टिप्स है वो ये है कि आपको जो एलर्जी के लिए जो कॉमन ट्रिगर होते हैं उसको आपको अवॉइड करना है। एलर्जी के कॉमन ट्रिगर मतलब कि आपको पता है कि ये चीज से आपको एलर्जी हो रही है तो उसको आपको अवॉइड करना ही है। कई बार जो क्लिनिक में हमारे पेशेंट आते हैं कि बोलते हैं कि डॉक्टर मैं जब भी ये टमाटर खाता हूँ या कुछ भी करता हूँ उसकी वजह से मुझे एलर्जी होती है। अगर आपको पता है कि ये चीज से आपको एलर्जी हो रही है तो आपको वो चीज को तो डेफिनेटली अवॉइड करना ही है। एक बार आप वो चीज को अवॉइड करते हैं तो उसको कम से कम आप 6 मंथ के लिए तो आप अवॉइड करिए ही। ओके, बीच में ऐसे ट्राई नहीं करना है कि चलो अभी एलर्जी नहीं हो रही है तो उसको ट्राई करके देख ले। इससे क्या होता है, बॉडी का जो एलर्जी रिस्पॉन्स होता है वो जो होता है वो एक्टिवेट हो जाता है, तो जो एलर्जी ठीक होने का जो ड्यूरेशन होता है वो बढ़ जाता है। सो ऐसे कोई भी ट्रिगर फैक्टर्स जो है उसको आपको अवॉइड ही करना है। तीसरी जो टिप्स है वो ये है कि आपको स्किन पे आपको मॉइस्चराइजर लगाना है। मॉइस्चराइजर जो है वो बहुत ही इफेक्टिव रहता है आपकी स्किन एलर्जी को ठीक करने में। कई बार हमने नोटिस किया है कि एलर्जी जो होती है वो ड्राई स्किन के साथ बहुत कॉमनली रहती है। अगर आपको थायराइड है तो आपको थ्रू आउट द ईयर दिन में 2 बार मॉइस्चराइजर लगाना ही है। मॉइस्चराइजर से क्या होता है कि स्किन के जो इचिंग के लिए जो सेंसेशन के लिए जो रिसेप्टर होते हैं वो काफी काम डाउन हो जाते हैं, तो आपका ऐसे केस में मॉइस्चराइजर लगाने से एलर्जी होने के चांसेस जो है बहुत कम हो जाते हैं, और अगर होती है तो वो बहुत ही लाइट होती है। मैं अपना एक पेशेंट का एक किस्सा बताता हूँ कि एक मेरे जो पेशेंट थे वो हॉस्पिटल में नर्स थे, उनको काफी टाइम से एलर्जी हुआ करती थी, बहुत सारी दवाई ली लेकिन उनको जो ठीक होना चाहिए वो नहीं हो रहा था। फिर वो मैंने उनको सिंपल सी एडवाइस दी कि ये जो एलर्जी की टेबलेट है वो तो लीजिए लेकिन साथ में आप मॉइस्चराइजर भी लगाइए। जैसे उन्हें मॉइस्चराइजर रेगुलर लगाना स्टार्ट किया तो उनको जो एलर्जी जो है वो काफी हद तक वो ठीक हो गई। सो आपको जब भी एलर्जी होती है तब मॉइस्चराइजर जो है वो आप लगाना मत भूलिएगा। टिप नंबर 4 जो है वो आपको स्क्रैचिंग नहीं करना है। कई पेशेंट क्या करते हैं जब भी एलर्जी होती है तो नाखून से बहुत ही खुजाल देते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। नाखून से खुजालने से क्या होता है कि जो एलर्जी सेंसिटिविटी जो रिस्पॉन्स होता है वो एक्टिव हो जाता है। जहां पे भी खुजालेंगे उस जगह पे भी कई बार लाल लाल चट्टे हो जाते हैं, ऐसे केस को हम डर्मोग्राफी जब बोलते हैं। सो जब भी आपको एलर्जी होती है तो क्या ध्यान रखना है कि नाखून जो है उसको ट्रिम कर देने, नाखून नहीं बढ़ाने हैं। नाखून से स्क्रैच करने से एलर्जी जो होती है वो बढ़ती रहती है। कई पेशेंट को जो होता है वो पता होता है कि नाखून लगाने से खुजली बढ़ती है लेकिन उस टाइम पे उनको कंट्रोल नहीं होता है। तो ऐसे केस में आपको क्या करना है कि नाखून की जगह पे आप हैंकी होता है या नैपकिन होता है उससे आप हल्के से ऐसे स्पंज करके खुजाल दीजिएगा। क्योंकि नाखून से खुजालने से एलर्जी तो बढ़ेगी लेकिन जब स्क्रैच पड़ते हैं तो उसमें इन्फेक्शन होने के भी चांसेस रहते हैं। सो नेल आप ट्रिम रखिए और स्क्रैचिंग बिल्कुल नहीं करें। टिप नंबर 5,
आपको स्ट्रेस बिल्कुल नहीं लेना है। स्ट्रेस जो है वो बहुत ही कॉमन फैक्टर्स है। स्ट्रेस से क्या होता है, आपका जो बॉडी की इम्यूनिटी लेवल जो होता है वो कम हो जाता है, स्ट्रेस हॉर्मोन्स का लेवल बढ़ जाता है, इसकी वजह से जो एलर्जी ठीक होने की प्रोसेस जो होती है वो बॉडी ठीक से नहीं कर पाती है। सो आप बोलेंगे कि स्ट्रेस को रिमूव करना पॉसिबल नहीं है, हम समझ सकते हैं कि ये डे टू डे लाइफ में 100% स्ट्रेस को हम रिमूव नहीं कर सकते, लेकिन जो भी स्ट्रेस है आपको हो सके इतना उसको कम रखना है। आप उसके लिए योगा कर सकते हैं, मेडिटेशन कर सकते हैं, डीप ब्रीदिंग की जो एक्सरसाइज है वो सब भी आप कर सकते हैं। ये सबसे क्या होगा, आपका बॉडी का जो स्ट्रेस हॉर्मोन्स का लेवल है वो कम हो जाएगा, इससे बॉडी की जो हीलिंग कैपेसिटी होती है वो काफ़ी बढ़ जाएगी। टिप नंबर 6 है कि आपको अच्छे से पानी पीना है। स्किन में जो होता है मोर देन हमारे 70% वाटर रहता है, सो वाटर जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है आपको एलर्जी को फ्लश आउट करने में और एलर्जी को ठीक करने में भी। दिन में आपको जब भी समर होता है तब 10 से 12 ग्लास पानी पीना है, विंटर में आप 8 से 10 ग्लास वाटर इंटेक रख सकते हो, लेकिन वाटर इंटेक जो है वो रखना बहुत ही जरूरी है। अगर आप पानी नहीं पियेंगे तो बॉडी में डिहाइड्रेशन होगा, बॉडी की जो एलर्जी को ठीक करने की जो कैपेसिटी होती है वो भी कम हो जाएगी। सो पानी ज़्यादा आप लेंगे तो एलर्जी जो है वो ज़्यादा जल्दी से फ्लश आउट होगी और आप खुद भी महसूस करेंगे कि एलर्जी जो है उसमें काफ़ी सारा इम्प्रूवमेंट हुआ है। बहुत ही ठंडा पानी आपको नहीं पीना है, नॉर्मल पानी या हल्का सा गुनगुना पानी आप पी सकते हो। नेक्स्ट टिप आपकी ये है कि आपको ओवर डायग्नोसिस जो है वो नहीं करना है। ओवर डायग्नोसिस का क्या मतलब होता है कि एक बार आपको पता चल गया है कि आपको ये एलर्जी हो रखी है, लंबे टाइम तक वाली क्रोनिक अर्टिकेरिया की एलर्जी है, रूटीन जो ब्लड टेस्ट है, जो एलर्जी के टेस्ट जो भी डॉक्टर ने आपके प्रिस्क्राइब किए वो सब आपने करवा दी है, उसके बाद बार बार इसमें एलर्जी जो है रिपोर्ट करने की जरूरत नहीं रहती। कई पेशेंट क्या करते हैं, एक बार रिपोर्ट कराते हैं फिर देखते हैं कि अभी एलर्जी कम हुई नहीं, फिर से रिपोर्ट करवाओ डॉक्टर, तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना। ऐसे करने से क्या होगा कि अननेसेसरी जो है आपका स्ट्रेस बढ़ेगा, उसमें आपका मनी भी वेस्ट होगा और आउटकम जो है उसमें चेंज होने वाला नहीं है। एक बार हमें डिफाइन हो जाता है कि ब्लड में जो है वो एलर्जी है, दूसरा और कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो फिर उसमें बार बार टेस्ट कराने की जरूरत नहीं होती है। बार बार टेस्ट कराने से मनी भी वेस्ट होंगे, हमारा जो है वो माइंड भी उस तरह से जो है वो थिंकिंग करेगा। तो बार बार टेस्ट कराने से हमारा टाइम और मनी दोनों वेस्ट होते हैं और वो उसका आउटकम इतना नहीं निकलता है। तो जब भी आपके डॉक्टर को जरूरत लगेगी वो आपको डेफिनेटली एडवाइस कर देंगे, लेकिन आप खुद से बार बार बहुत टेस्ट मत कराइए। नेक्स्ट टिप ये है कि आपको जो भी एलर्जी का जो कारण है वो ढूंढने में बहुत सारा स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है। एलर्जी जो रहती है वो किस चीज से होती है, क्या खाने पीने कॉन्टेक्ट में से होती है, वो मोर देन 80% केस में हमें पता नहीं चलता है। सो आपको ये बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है कि अगर आपके केस में ये हो रहा है कि आपको पता नहीं चल रहा है कि कौन सी चीज से एलर्जी हो रही है, तो दैट इज एब्सोल्युटली फाइन। कई पेशेंट क्या करते हैं कि वो कारण ढूंढने में इतना स्ट्रेस ले लेते हैं कि उल्टा एलर्जी जो है वो और बढ़ जाती है। जैसे पहले मैंने बताया कि आपको स्ट्रेस जो है वो बिल्कुल नहीं लेना है, तो जैसे मैंने बताया ऐसे आप डायरी में नोट डाउन करके जो है उसको आराम से ढूंढने का ट्राई करिए, लेकिन बार बार ऐसे टेस्ट करा के या बहुत ही हाइपर होकर आपको एलर्जी जो कारण है वो ढूंढने की बहुत जरूरत नहीं है। इससे क्या होगा, अननेसेसरी जो है वो स्ट्रेस लेवल बढ़ जाता है और एलर्जी की जो मेडिसिन होती है उसमें बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला। आपको थोड़ा अलर्ट रहना है, आपको थोड़ा ध्यान रखना है, लेकिन उसमें एक्सेसिव एंजाइटी या स्ट्रेस लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। सबसे इम्पोर्टेंट टिप्स ये है कि आपको जब भी एलर्जी रहती है तब आपको दवाई को रेगुलर लेना है। जब भी आपको एलर्जी होती है तो स्टार्टिंग में आप घरेलू जो मेडिसिन होती है वो आप ले सकते हो, लेकिन एक बार एलर्जी लगता है कि कंट्रोल नहीं हो रही है तब आपको डर्मेटोलॉजिस्ट जो स्किन स्पेशलिस्ट होते हैं उनको दिखाना जरूरी रहता है, और जो भी दवाई जो वो प्रिस्क्राइब करते हैं उस हिसाब से आपको लेना है। ऐसा नहीं है कि चलो 5 दिन ले लिया थोड़ा ठीक होगा फिर चेक करते हैं कि होते हैं नहीं होता है फिर दवाई छोड़ दिया, ऐसे नहीं करना है। ऐसे आप करेंगे तो जो एलर्जी ठीक होती है वो जल्दी नहीं होगी और वो ड्यूरेशन भी बहुत बढ़ जाएगा। सो आपके जो दवाई है वो रेगुलरली आपको अपने डर्मेटोलॉजिस्ट की एडवाइस के अनुसार रेगुलर दवाई लेनी। आइए अब मैं आपको एक बोनस टिप देता हूँ कि जैसे मैंने वीडियो की शुरुआत में बताया था कि मैं स्किन एलर्जी जब होती है तब कौन सी दवाई लेनी चाहिए वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो स्किन एलर्जी में जो एंटी हिस्टामिक मेडिसिन रहती है लियोसेट्रिजिन 5 mg की जो रहती है वो जब भी एलर्जी हो तब आप ले सकते हो। ये OTC ब्रांड रहती है तो आप मेडिकल शॉप में जो डायरेक्टली भी परचेज कर सकते हो। ये टैबलेट लेने से आपको हल्की सी थोड़ी नींद आ सकती है। ये टैबलेट जो है वो जब एलर्जी होती है इमरजेंसी केस में कैसे आप ले सकते हो, लेकिन याद रखिए कि आपको जब भी एलर्जी लंबे टाइम तक होती है या एलर्जी ये टैबलेट लेने के बाद भी बार बार हो जाती है तो अपने आप डर्मेटोलॉजिस्ट को दिखाना मत भूलिएगा। इसके अलावा फेक्सोफिनाडीन डेसलोटाटिन टैबलेट जो होती है वो भी आप अपने डॉक्टर की एडवाइस के अनुसार ले सकते हैं। नेक्स्ट टिप जो है वो ये है कि आपको अपना एटीट्यूड जो है वो पॉजिटिव रखना है। जब भी आपको एलर्जी होती है तो आपका एलर्जी को ठीक करने का काम आपका बॉडी ही करेगा।
टेबलेट जो होगी, मेडिसिन जो होगी, वो एलर्जी को कंट्रोल करती है, ठीक करने का काम आपका बॉडी करेगा। सो आपका बॉडी और माइंड को हेल्दी रखना बहुत जरूरी है। सो आप अपना एटीट्यूड जो है पॉजिटिव रखिए, और आपको फेथ रखना, और सबसे इम्पोर्टेंट है कि आपको भगवान पे, अपने आप पे और अपने डॉक्टर पे फेथ रखना है, आपको भरोसा रखना पड़ेगा। एक मेडिकल रिसर्च हुआ था, उसमें ये रिसर्च हुआ कि जो भी पेशेंट होते हैं कि वो ज़्यादा श्रद्धा रखते हैं, जो अपने फेथ रखते हैं, वो जो पेशेंट का हीलिंग पावर जो होता है वो काफ़ी हाई रहता है, और वो जो नॉर्मल केस होता है उससे जल्दी हीलिंग हो जाता है। सो कई बार आपने देखा होगा कि कई लोग जो होते हैं वो मन्नत रखते हैं, तो मन्नत रखने से क्या होता है कि जो फेथ लेवल होता है वो बढ़ जाता है, तो उसकी वजह से जो बॉडी का हीलिंग पावर है वो भी जल्दी हो जाता है। तो मेडिसिन और वो तो लेनी है, लेकिन साथ में आपको ये स्पिरिचुअल जो है वो भी एस्पेक्ट को ध्यान में रखना है। और लास्ट में जाते जाते कि स्लीप जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको हर रोज एवरेज 7 से 8 घंटे की तो मिनिमम स्लीप लेनी है। स्लीप से क्या होगा, बॉडी का जो हीलिंग पावर होता है वो बहुत बढ़ जाता है, बॉडी अच्छे से हीलिंग जब भी होती है तब एलर्जी जो होती है वो ठीक करने में बहुत ही उसको हेल्पफुल रहता है। तो स्लीप अगर आप प्रॉपर नहीं लेते हैं तो बॉडी में जो है वो पर्टिकुलरली स्ट्रेस लेवल बढ़ जाता है, सो उसकी वजह से भी जो एलर्जी की ठीक होने की प्रोसेस जो होती है वो डिले होती है। सो नींद आपको ठीक से लेनी है, और दूसरा बायोलॉजिकल क्लॉक से हिसाब से लेना, ऐसा नहीं है कि रात को 2-3 बजे सोना है फिर सुबह में लेट उठना, ऐसा नहीं करना है, जल्दी सो जाना है, 10-11 बजे तक आप सो सकते हैं, और उसके बाद आपको 7 से 8 घंटा नींद पूरी लेनी है। सो ये जो टिप्स जो मैंने बताई वो आप जब भी फॉलो करेंगे तो वो जो स्किन एलर्जी जो है वो आपकी जल्द से जल्द ठीक हो जाएगी। और ये सारी जो टिप्स है बहुत ही सिंपल, इजी एंड इफेक्टिव है। सो आप जो है वो रेगुलर उसको आप फॉलो करेंगे तो आपको डेफिनेटली उसमें इम्प्रूवमेंट रहेगा ही, साथ में आपके जो डॉक्टर्स ने मेडिसिन प्रिस्क्राइब किया है वो लेना आप बिल्कुल मत भूलिए। और जाते जाते अगर चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द कर दीजिए, और लाइक का बटन दबाना मत भूलिए। थैंक यू।